But now all depends on these two V's up in the middle. And once again, striking very nicely. And what a start here. Begins fluently. Vishal with a very good boundary. Well, launching, wow. But everything right again about that shot, and what's impressive is that he went straight over the top. That's the safest way to go, safest place to go in a crunch situation for a batsman. Again going for it, but was pitched outside the off stump. End of 18 overs, it's 144 for 3. So the last over was a productive one for Chennai Rhinos and the supporters. Well, the yellow flags are just flying high at the moment. They were batted very well, Chennai Rhinos, still 7 wickets in the bank for them. But the big question from here on, that how many runs they can get in these 12 legal deliveries. Well, 144 is a very good score. It'll be interesting to see how Bhojpuri Dabangs managed to put these two overs remaining in the right place. They are going to be tested against the abilities of Vishnu and Vishal. Vishnu is already on 56, well settled. Vishal has come out with the right intentions. So really going to be a test of character for Jayesh. एक बार फिर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और कदमों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं. जब भी आगे आते हैं पॉजिटिव नजर आते हैं. दूसरा रन लेना चाहे थे पर वापस भेजा उनके अब साथी ने. बहुत जरूरी है कि अब जितनी स्ट्राइक विष्णु रखे उतना बेहतर रहेगा चेन्नई रायनल्स की टीम के लिए. काफी उमदा स्ट्राइक रेट है उनका 158 का. फिलहाल विशाल जो कप्तान है चेन्नई रायनल्स के वो स्ट्राइक पे. पर कहना होगा संजय एक गैम्बल है कि आप स्पिनर को गेंदबाजी करा रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज क्रीज पे. जयेश काफी इंप्रेसिव लगे हैं मुझे. मतलब अपने अलग से अंदाज में बॉलिंग करते हैं, कभी मिक्स करते हैं, सीम अप डालते हैं. इस वक्त बहुत ही उम्दा शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से विष्णु ने उठा दिया है 4 रन के लिए. और इस चौकी की मदद से अब 150 रन पूरे होते हुए अब चेन्नई रायनल्स के. बूम चिका वाह वाह मोमेंट अब एक बार फिर. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, अच्छा प्रहार अब आगे करके आगे आए थे और तैनात के कैंप में खेला एक बार फिर. भोजपुरी दबंग्स के सपोर्टर्स थोड़ा निराश नजर आते हुए क्योंकि पिछले कुछ ओवर संजय काफी बेहतरीन रहे हैं चेन्नई रायनल्स के लिए. उन्होंने सही समय पे एक्सेलरेटर पे अपना पैर दबाया है. वो जानते हैं कि केवल 9 बॉल बाकी है और 7 विकेट हाथ में होने के बावजूद वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाए. एक अच्छी गेंद जयेश की, अच्छा कमबैक. इतने प्रेशर में भी वो अपना संतुलन नहीं खो रहे हैं. और तीसरे 50 रन अगर आप देखें मात्र 27 गेंदों में तो कितना बड़ा अंतर है. पहले 50 रन 44 गेंदों में, उसके बाद 40 और जो पिछले जो तीसरे 50 रन है 27 गेंदों में. एक बार फिर गैप में खेला, यहां पे 4 रन और मिलेंगे. भाग्य भी साथ दे रहे बचने रहने उसका. जिस दिशा में खेलना चाहे थे वहां तो गेंद गई नहीं पर कहीं ना कहीं भारी किनारा और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई. यहाँ इनएक्सपीरियंस समझ में आ रहा है दबंग्स का, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है और जिस तरह की फील्ड प्लेसमेंट है वो बिल्कुल ही अपोजिट. इस वजह से वो उनको काफी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. एक और छोटी गेंद बट इस बार फील्डर ने उसको कट ऑफ कर लिया है. 10 रन आते हुए 19वें ओवर में 155 पे 3.